जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका अभिनंदन है। मैं चला था रोपड़ से मनाली के लिए, तो उस टाइम दौरान मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो फ्लड के बाद ये जो रूट है इसका क्या हालात है तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊं। तो हम टनल नंबर 1 पे पहुंच गए थे, तो अब टनल नंबर 1 से लेकर आगे मंडी तक का इसमें हम दिखाएँगे। तो ये जो टनल नंबर 1 है ये कैंची मोड़ से आगे पड़ती है, जो कि तकरीबन 1.75 किलोमीटर की है, तो और सवार घाट को बाईपास कर देती है। वो टनल निकलते ही आपको ये जो भाखड़ा डैम के पीछे बना हुआ झील है तो उसका मनोरम दृश्य है, और यहाँ पे रुक के आप देख सकते हो। देखो कितनी अच्छी झील है, यहाँ से आप फोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हो। पानी बहुत खड़ा हुआ है यहाँ पे, गोविंद सागर का भाखड़ा से लेकर बिलासपुर तक पानी यहाँ पे रुका हुआ है, तो इस झील का नाम है गोविंद सागर जी। तो ये जो प्रोजेक्ट है तो इसमें देखो ये यहाँ पे कुछ इन्होंने कमियाँ छोड़ दी हैं, जैसे कई जगह इन्होंने पहाड़ तोड़ दिए, वहाँ पे भी छोटी छोटी टनल्स वगैरह बना देनी चाहिए थी। ये टनल नंबर 2 है, टनल नंबर 2 है जो ये है, थापना टनल बोलते हैं इसको। ये 650 मीटर की टनल है और सिंगल टनल है। अच्छा, पहली टनल में मैंने बोल दिया था कि ये साथ में डबल टनल बन रही है, वो डबल टनल नहीं है, वो एक एस्केप टनल है। तो इस टनल में भी स्पीड मेंटेन करके आपको रखनी चाहिए, लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं, और पासिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कोई भी बड़ा एक्सीडेंट अगर इसमें हो जाए, किसी गाड़ी में आग वाग अगर लग जाए तो उसमें फिर धुआँ फैल के दम घुटने से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा फ़ौरन में एक बार हुआ था। तो इस टनल के साथ एस्केप टनल भी नहीं है, इसलिए कृपया करके सावधान रहें और पेशेंस रखें। जो आगे गाड़ियां चल रही हैं उनके पीछे पीछे डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए चलें। हम पहले कितने टाइम लगते थे, 3 घंटे का टाइम इससे बच जाता है, फिर भी इतनी जल्दी हम मचाते हैं ना कि कोई बात पूछो मत। तो इतना खर्चा किया है सरकार ने, हमसे थोड़ा सा टोल लेती है, तो जो पहला टोल है वो सिर्फ 150 रुपये का है जो कि गढ़मोड़ा पे है। तो उसके बाद ये देखो दूसरी टनल निकलने के बाद फिर आपको ये गोविंद सागर दिखाई देगा। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है, तो यहाँ से भी आप पेट्रोल डलवा सकते हो। ये पेट्रोल जो पंजाब से तकरीबन 3-4 रुपए चीप यहाँ पे पड़ता है। ये यहाँ देखो ये भी ऊपर से खोद दिया, यहाँ भी आपको सरकार को टनल बना देनी चाहिए थी, बिकॉज जब हम खोद देते हैं तो पहाड़ पूरा हिल जाता है और पत्थर गिरते रहते हैं, तो फिर उसको ठीक करने के लिए कभी जाली लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये इस रोड का जो फर्स्ट फेज़ है वो है नेर अपना वहाँ तक, बिलासपुर तक। बिलासपुर का जो गांव पड़ता है बरोडी, 73.2 किलोमीटर से शुरू होकर ये 34.5 किलोमीटर तक का पहला फेज़ है। दूसरा फेज़ बिलासपुर से नेर चौक तक का है, जो कि नौनी चौक तक ख़त्म हो जाता है, वो है 134.5 किलोमीटर से शुरू हो जाता है। और ये जो रोड है ये 197 किलोमीटर लंबा है। इस प्रोजेक्ट को 1818.47 करोड़ रुपए का खर्चा आने की उम्मीद थी, और ये जो 140 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई बननी थी, और इसमें 140 किलोमीटर नया रोड बनना है, और 197 किलोमीटर में से जो कि ग्रीन फील्ड होगा और टनल्स होंगी या बाईपास बनेंगे। बिलासपुर भी इससे बाईपास ही हो जाता है, बाईपास बिलासपुर जो है वो तकरीबन एक जगह बोर्ड में मैंने देखा था 12-13 किलोमीटर साइड में रह जाता है। देखो कितने अच्छे अच्छे पुल है, कोई इन्होंने कसर इसमें छोड़ी नहीं है। ब्रिजेस, ये ब्रिज बन गया, इसके साथ राइट साइड में दूसरा ब्रिज बन रहा है, उसका भी सामान पड़ा हुआ है। तो आप कृपया पेशेंस रखें, जहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उनका पालना करते हुए ड्राइव करें। इस हाईवे पे मैंने देखा बिलासपुर या सुंदरनगर तक अलग जगह जगह ये जैसे ये बोर्ड लगे जो कि आपकी स्पीड को मॉनिटर करते कर सकते हैं, तो इससे आपका चलान भी हो सकता है। तो जो इंस्ट्रक्शंस है, जो एडमिसिबल स्पीड है उसके हिसाब से ही आप चलें। और 87 किलोमीटर का जो इसका एग्जिस्टिंग रोड था ना ये मनाली से कीर्तपुर तक का, उसको 2 लेन से 4 लेन तक डबल किया जाएगा। अभी कई जगह रोड बनी नहीं है, जैसे
सुंदरनगर में जाम लग जाता है। सुंदरनगर में आप देखो तो वहाँ पे काफ़ी जाम लग जाता है। बाईपास अभी जो सुंदरनगर का है वो अभी बना नहीं है। इस रोड पे 37 मेजर ब्रिजेस बनने हैं और 14 टनल्स बननी हैं और 4 टोल प्लाजा हैं इसमें। एक तो गढ़मोड़ा पे है, एक आउटर टन दूसरा आ जाता है बिलासपुर से के आसपास है, और तीसरा टोल प्लाजा है आउटर टनल के बाद। चौथा टोल प्लाजा जो कुल्लू क्रॉस करके आपको मिलेगा। तो आप देख ही रहोगे ये रोड की कंडीशंस कैसी है। अब यहाँ पे पहाड़ पे पहले जो गाड़ियाँ थी ना वो 20-25 स्पीड पे चलती थी, अब आप यहाँ पे 60 स्पीड पे गाड़ी चला सकते हो। गाड़ी तो ज़्यादा स्पीड पे भी चल जाती है लेकिन स्पीड जो मेंशन है वो 60 की आ गई है। देखो थर्ड टनल आ गई है। तो जब भी आप टनल क्रॉस करो तो ये ध्यान जरूर रखो कि हम कोई भी ओवर स्पीडिंग ना करें, कोई ओवरटेक ना करें और आराम से चलें। जो हमारा 3 घंटे का टाइम बचता है, अगर अब यहाँ पे थोड़ा स्लो चल के हमारे 5-4 मिनट आगे पीछे भी हो जाते हैं तो उसका कोई हमें दुख नहीं होना चाहिए। तो ये जो रोड बन रही है इसमें खासकर जो ट्रक है ना उनका बहुत फ़ायदा हुआ। तकरीबन मल्टी एक्सल के जो ट्रक हैं तो उनका डीजल 50% तक बच गया है अगर हम थोड़ा टोल देते हैं। तो ये देखो कि गवर्नमेंट ने जो एस्टीमेट लगाया है कि एक साल में 900 से 1,000 करोड़ रुपए का जो डीजल है उसकी ये रोड बनने से सेविंग होगी। हमारी कितनी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बचेगी और हमारे देश का जो फॉरेन रिजर्व है कैसे बढ़ जाएगा ऐसे रोड बनने से। बस हमें यही है, एक यहाँ गंद नहीं फैलाना है और पेशेंस रखना है, स्पीड मेंटेन करो, एक्सीडेंट ना हो। बिकॉज आप घूमने आए हैं, आप एंजॉय कीजिए लाइफ को। ये देखो ये दूसरा टोल प्लाजा आ गया है, ये है 65 रुपये का। तो ये बिलासपुर के आसपास ही पड़ता है। तो अगर फास्ट टैग आपका लगा हुआ है तो यहाँ पे 2-3 मिनट लगते हैं। तो अगर ज़्यादा भी लगे तो कोई बात नहीं है, तो पेशेंस रखिए आप। तो आगे देखो पहाड़ों का कितना सुंदर दृश्य है, तो इतना ब्यूटीफुल दृश्य आप इंजॉय कीजिए। भागम भाग मत कीजिए, बिकॉज मोस्टली लोग टूरिस्ट टूरिज्म के पर्पज़ से हिमाचल आते हैं। टूरिज्म मीन्स कि आपने वहाँ पे हाथ लगा के वापस नहीं आना। रास्ते में जो भी नेचर है उसको इंजॉय करो, जो भी खाना है वो इंजॉय करो, भागम भाग मत करो, जिससे आपकी लाइफ जो है वो भी सेव रहे और दूसरों की जो लाइफ है उसका भी आप ध्यान रखो। यही मेरी रिक्वेस्ट है बार बार आपसे कि हिमाचल आओ तो एक प्लीज गंद मत फैलाओ। दूसरा आप पेशेंस रखो, जो एडमिसिबल स्पीड है उसके हिसाब से चलो। ये ना हो कि आप ठीक ठाक आओ और हटिया करवा के आप घर वापस जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे जो रोड्स हैं वो अपने देश में ही अब अवेलेबल हैं। ये नेक्स्ट टर्नल आ रही है, ये टर्नल है तकरीबन 1.47 किलोमीटर की। इसमें आपके 2-4 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। बिकॉज पहले आप देखा हमने देखा है कि ट्रक आगे कोई अगर चला जाता था जिसमें सीमेंट इंडस्ट्रीज के मोस्टली ट्रक होते हैं, उनमें कोयला भरा रहता था, तो ट्रक के पीछे लग गए, बस पास करने के लिए जगह नहीं मिलती थी। बिकॉज इस रोड पे ट्रक बहुत ज़्यादा चलते थे और जो ट्रक आ रहे हैं वो सीमेंट लेकर आते थे, जो जाते हैं वो तकरीबन कोयला लेके जाते थे। अब आप देखो इस चढ़ाई में जो कितनी हाइट होती है उसमें जो ट्रक है वो कितनी स्पीड से चलते हैं, उसके पीछे हम धीरे 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 चलते हैं और तकरीबन 20-15-20-30 की स्पीड से हमें चलना पड़ता है, जिससे हमारा कितना डीजल वेस्ट होता है, टाइम बड़ा लगता था। फिर भी अगर ये रोड बनने के बाद भी हम जल्दी मचाएंगे ना फिर तो बहुत बुरी बात है। ये देखो ये रोड है, ये भी आप जहाँ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। आगे पहाड़ है, पहाड़ को भी इंजॉय करो, साथ साथ बातें करो जो आपके साथ है, और इंजॉयमेंट करते करते आप मनाली पहुँचो। मनाली में इंजॉय करो, आगे देख कर चलो, प्रॉपर जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके चलो, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ये रोड अभी 4 लेन बनानी है, बिकॉज इधर साइड में टनल बन रही है सुंदरनगर के बाद ना,
जो सुंदरनगर में बाईपास बन रहा है और ये एक टनल बन रही है, और जब टनल वो चालू हो जाएगी तो ये वाला जो रास्ता है मंडी वाला ये बाईपास हो जाएगा, यहाँ आने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप साथ साथ जो म्यूज़िक है वो भी इंजॉय करो, रोड में आप जितनी ही सावधानी से चलोगे उतना ही बढ़िया है। इस साइड में ये लेफ्ट में आपको मंडी जो शहर है वो आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो पुल है ये मंडी शहर को कनेक्ट करता है, यहाँ से लेफ़्ट टर्न करो तो मंडी पहुँच जाओगे। यहाँ से जोगिंदर नगर अगर आपने जाना है या पठानकोट जाना है या इधर बैजनाथ जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हो। तो और ये इससे आगे फिर नेर चौक पीछे निकल गया है, तो नेर चौक वो जो पीछे हमारा वीडियो था वो हमने बना दिया था दूसरी तरफ का जो, और जो फिर इसीलिए उसको हमने ऐड नहीं कर पाए। तो थैंक्स फॉर योर टाइम, धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी आप देखना। थैंक यू।